अज का ब्लॉग ना मेरा बहुत बहुत बिजी होने वाला, क्योंकि अज मैं लुधियाने जाना सर्टिफिकेट लैन दे रही। उधर ही मैं रात भर सारी तैयारी करके आता, समान वगैरह सब नाल ले जाने वाला पैक कर लिया, तो नाल ही रोटी वगैरह सब कुछ पैक करवा के ही चले हाँ। तो इधर मेरा ब्रदर हुणे लै चलिया मैं सीधा बस स्टैंड, क्योंकि बस स्टैंड तो असीं फड़नी हैगी बस सीधी लुधियाने वाली। लुधियाने वाली बस फड़न वास्ते बस स्टैंड ते मैं खड़ी ही सी, आगे कि मेरे तो पहला मेरी सहेलियां खड़ियां सी। सहेलियां पहुंच चुकिया ने बस स्टैंड ते। सुखप्रीत, मनप्रीत वड्डी, मनप्रीत छोटी, ये मैं सेव किया है। मनप्रीत वड्डी है, मनप्रीत छोटी है, सुखप्रीत ते है बाकी सहेलियां मेरी। असं हुण वेट कर रहे हैं, केड़ी बस का वेट करते आपां? तो इतने साड़ी मतलब कई बसा लग रही ने, बट असं अपने नाल दिन भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि असं होर भी कई जाने हैं, उन्होंने सारे नाल से इकट्ठा नहीं जाना गा। फाइनली सानू बस तो मिल गई सी, बट साड़ियां दी सहेलियां नू सीट नहीं मिली सी। मैनू सीट मिल गई सी, वड्डी मनप्रीत नू मिल गई सी। छोटी मनप्रीत तो छोटी जी, उन्होंने असीं साइड ती बिठा लिया, कितों तो बैठ ही जाएंगी। मेरे नाल छोटी मनप्रीत बैठी है, उधरी साइड वड्डी मनप्रीत, ते बाकी मेरी सहेलियां सी ओह खड़ियां सी। असीं उन्हां दे बैग वगैरह फड़ लए सी, हुण असीं तुर पए हैंगे सीधा लुधियाने वल नू। लुधियाने पहुंचण सार साड़ी बस अद्धी खाली हो चुकी सी, क्योंकि अद्धे जिहड़े पैसेंजर सी ओह उतर चुके सीगे। ते हुण फाइनली असीं लुधियाना बस स्टैंड ते पहुंच चुके हैंगे। बस तो उतर के हुण सीधा अपने मेन जिथे असीं सर्टिफिकेट लेना उस जगह ते जावांगे। सब तो पहला असीं लई ऑटो, असीं कोल घट्टो घट्ट दो ऑटो करवाई हैं, क्योंकि असीं कुड़ियां बहुत ज़्यादा सी, ते जिथे असीं पहुंचना सी उह जगह भी बहुत ज़्यादा दूर सी यूनिट, इस करके असीं पहला ऑटो लई, फिर असीं हुण उत्थे पहुंचांगे। हसदे खेडदे कदों असीं उत्थे पहुंच गए, सानूं पता ही नहीं लग्गिया। ते बाहर आ गए हुण सर्टिफिकेट लैके, असीं इत्थे बाहर खड़े सीगे, सर्टिफिकेट असीं लै ले आ गए। मेरी अद्धियां सहेलियां सर्टिफिकेट लै रहियां ने। अज ना बहुत 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 ज़्यादा गर्मी सी, तो यूनिफॉर्म विच तां बहुत ज़्यादा ही लगदी आ, कपड़ा थोड़ा जिहा मोटा हुंदा गा। तो असीं बाहरली साइड खड़े सी, तुहानूं मैं इत्थों दा व्यू दिखा रही हैंगी। सर्टिफिकेट लैके साड़ियां सारियां सहेलियां आ चुकियां सी, ते हुण असीं दोबारा तो फिर उही आटो लै ली, ते हुण असीं दोबारा असीं बस स्टैंड ही चले हाँ। हंसते खेडते चलो जी असं पहुँच चुके हैं बस स्टैंड, तो इतों असं दोबारा हूँ वापस सरायकोट जाने की बस लवेंगे। हूँ सारी टेंशन जी दिमाग तो लै गई, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सर्टिफिकेट लैन आई सी, मैंने पता ही नहीं कितने जाना की करना। बस में बैठन सार मेरी सहेली ने खिंचनिया शुरू करती सैल्फिया। थोड़े टाइम बाद असी खोल लिया जी टिफिन, क्योंकि रोटी मैं पहले दस मैं पैक करवा के लैके आई हूँ। सारिया सहेलियां ही लैके आई सी, कुछ नहीं लैके आई सी। मोहनमीत तो निशी मेरे नाल बैठिया सी, तो बाकी अगे पिछे बैठिया सगियाँ जिवें जिवें सीट मिलेगी। बट इस बार सानू वधिया सीट मिल गई सी, तो रोटी असं हुण छक लई आ गई। अगे जाके देखा तो नगर कीर्तन लंघ रहा सीगा, तो चलो जी सारे ने हाथ जोड़ के नमस्कार की, पंज पैरों के दर्शन किए, महाराज की सवारी के दर्शन हो गया। साढ़े धन भाग सीगे जो महाराज के सानू अज दर्शन होए, बहुत वधिया दिन सी। मतलब क्योंकि गुरद्वारा साहब जाना पैंदा, पर अज तां महाराज खुद दर्शन दिते महाराज ने, तो बहुत वधिया लग्गिया। दरख्तों को देखते 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 बस टाइम मैं तो ही लगाई जा रही थी कदों रायकोट आओ कदों पहुँच जाएंगे, कुछ थकी पई सी बहुत ज़्यादा। पर फाइनली रायकोट असी पहुँच चुके हैं, तो देख सकते होंगे मौसम अगे जाके बहुत वधिया हो गया सीगा। हरियाली हरियाली, साफ सुथरा माहौल, तो बस स्टैंड भी इस बार बहुत साफ सुथरा। मतलब जो साड़ा बस स्टैंड बनया ना, सौन लगे थोड़ा मैं दस नहीं सकती, हालत बहुत खराब सी, पर हुण इहदा व्यू तुसीं देख सकते हो किन्ना वधिया लग रहा गा। बिल्कुल भी गंदगी नहीं आसे पासे, तो वीडियो भी कितनी सोहनी बनी है ना बस च बैठ के। बस ने गोल गोल इदा टर्न किया, तो वीडियो बहुत सोहनी आई। बस में हम असं उतर चुके हैं, तो मेरी सहेलियां कह रही असी खाने जी बर्गर। मैं कहा चलो ठीक है खा लेने, वैसे मैं रोटियां तो दो तीन खा चुकी सी, पर मैं कहा इन्होंने बर्गर खा लेंगे मज़ा होगा ना, फ्रेंड्स ना कुछ भी खाने का मज़ा ही अलग हों गा। तो इसलिए हम सीधा असं बीकानेर वाले चले आएंगे बर्गर खाने वास्ते। बस स्टैंड के बाहरली साइड ही उन्होंने दुकान आ गई, तो असं हम उतो बर्गर खावे। इतों बस स्टैंड तो हम असं बाहर निकल चुके हैंगे, तो हम सीधा उन्होंने शॉप चले आएंगे। असं टोटल पांच जने आएंगे, सुखप्रीत, मनप्रीत वड्डी, मनप्रीत छोटी, तो मेरे नाल निशी आ। इतने आने सारे ना कन्ना नूं फोन लग गए, तो उधर मनप्रीत छोटी तो बेचारी पानी पी रही सी, तो निशी ये शाय फील कर लग जाती है, जिहड़ी वीडियो बनाने लग जाती है। वो साड़ियां दूसरियां फ्रेंड्स सी, तो असं अपने बर्गर ऑर्डर कर दिते सी, थोड़े टाइम तक आने सी, तद तक ये सोचा चलो जी असं भी पानी पी लें। फाइनली साडे बर्गर पहुँच चुके आ गए। सब तो पहला तो मैं इन्होंने रोकया होया, मैं किसी ने नहीं खाने, पहला मैं वीडियो बनानी है। तो निशा दिन देख के मुँह चो पानी आ जाता, किन्ने टेस्टी लग रहे ना देखने दे, भुख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई सी। तो हूँ मैं बना रही है जी वीडियो, किन्ने वधिया लग रहे ना।
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਖਾਵਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਹੋਊ, ਇੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਟਰੀਕ ਪਾਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੀ ਕਿ ਸੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਰਗਰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ, ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਗਰ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਹਾ ਦੂਜੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਸੰਗੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਾਧੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਰਗਰ। ਦੇਖੀ ਦੇਖੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਖਾਣ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਸ ਖਾਣਾ ਹੀ ਆਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਦੇਖੀ ਇਹ ਆ ਚੱਕ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਆਹ ਦੇਖੀ ਉਹੀ ਸੰਗੀ ਜਾਂਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ, ਇੰਨੀ ਸੰਗੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਨਿਸ਼ੀ ਦੇਖ ਲਾ। ਅਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਵੀਟ ਸ਼ੋਪ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਗਰ ਖਾਧੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਸਿੱਧਾ ਘਰ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ, ਬਹੁਤ 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 ਬਿਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਇੰਜੋਏ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੂੰ, ਕਿ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੋਂ ਮਸਾਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਜੇ ਕਾਲਜ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਘਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਏ ਬਾਏ।